राजस्थान की रहने वाली अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौट आई है। अंजू 29 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत पहुंची। उसके साथ उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्ला भी था। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने भारत आने को किए गए सवाल का जवाब नहीं दिया। वाघा बॉर्डर से पहले अंजू को आईबी और फिर पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। वहां अंजू से पूछताछ की गई। यहां अंजू ने उन्हें पाकिस्तान से भारत वापस आने की वजह बताई। इसके बाद अंजू अमृतसर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। यहां भी उसने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। उससे बार बार पूछा गया कि वो क्यों आई है, लेकिन अंजू सवालों से बचती नजर आई। तू क्या कहना चाह रही है? आगे तो जाने दो यार, वो आगे निकल रहे हैं। नो कमेंट कैसे कह सकते हो? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। हिंदुस्तान वापस लौटना कोई बजा बोल दो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। बोल दो कुछ अंजू जब भारत लौटी तो उससे आईबी और पुलिस ने लंबी पूछताछ की। उसने पूछताछ में बताया कि वो 21 जुलाई 2023 को पाकिस्तान गई थी। वहां उसने नसरुल्ला से निकाह किया, लेकिन शादी से जुड़े कोई भी दस्तावेज वो नहीं दिखा पाई। जब उससे भारत आने की वजह के बारे में पूछा गया तो अंजू ने बताया कि वो अपने भारतीय पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाक ले जाने की कोशिश करेगी। इस मामले पर सीमा हैदर के वकील ने विस्तार से बताया कि आखिर भारत लौटी अंजू के केस में आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आखिर अंजू किस मकसद से वापस आई है, उसके पति, पिता और बच्चे उसको लेकर क्या बोलते हैं, ये देखना होगा। देखिए, इस्लाम, अब पहले अंजू तो हिंदू थी, हिंदू से ईसाई बनी, ईसाई से इस्लाम धर्म ग्रहण किया। अब भारत में अगर करें तो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख धर्म एक रह गया है उसके लिए, बस चलिए ठीक, कोई बात नहीं, उसने बदला जैसे। लेकिन वो गई 2 दिन में कहाँ, तो उसके साथ पाकिस्तान में धर्म बदल गया, निकाह हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया, हरी हरी चुनरिया, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पे आप लोगों ने देखी, फहरा गई, 10-11 युवकों के साथ डिनर हो रहा, उसकी फोटो चली गई, सब कुछ हो गया 2 दिन में। और उसके बाद फिर वो क्या हुआ वहाँ पता ही नहीं चला। अब वो सीधे आई है, तो ये देखने वाली बात है। बच्चे की जहाँ तक बात है कि बच्चे तो उसके थोड़े बड़े बड़े हैं, समझदार हैं, और बच्चों को छोड़ के गई थी, बच्चों से पूछ के तो गई नहीं थी। तो बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, उसके पति डिसाइड करेंगे, बच्चों का पिता डिसाइड करेगा, बच्चों के दादा दादी डिसाइड करेंगे, वो लोग भी डिसाइड करेंगे उनका क्या कहना है। बच्चों की मेन बात है, बच्चों से तो पूछ ही जाएगा कहाँ किसके साथ रहना है, क्या रहना है। अभी डाइवोर्स उसका हुआ नहीं, वहाँ शादी हो गई। अब शादी के जो एजेंसीज हैं उन्होंने पूछा है, जैसा कि पता चल रहा है आप लोगों के माध्यम से ही, तो उसमें की खबर यह है कि कोई शादी के कागज नहीं लाई, धर्म परिवर्तन के कागज नहीं लाई, क्या है, किस तरह से आई, अब बुर्का पहन के आई है, तो बुर्का पहने हुए आई है, तो अब देख रहे हैं। अभी जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं, अपना जांच एजेंसी करके उसके परिवार वालों की प्राथमिकता है, उसका परिवार क्या कहता है, पति क्या कहता है, और लोग क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, तो वो देखें किस मकसद से गई ये नहीं पता चल पाया, किस मकसद से आई ये नहीं पता चल पाया। अब शादी हो गई थी तो पति आता, साथ आता या आना चाहिए था, वो तो जबरदस्ती था, वहाँ धर्म बदलने के लिए थोड़ी गई थी, नहीं तो वो कहती कि हमें धर्म परिवर्तन करना है, धर्म बदलने के लिए गई। भारत जैसा देश दुनिया में कोई देश नहीं है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, करके दिखाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ का नारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, भारत सरकार देती है, वो करके भी दिखाती है। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक रहा है, पैदा आतंकवाद वहां से होता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और उसको आगे फिर स्पॉन्सर करता है। तो वो महिलाओं की स्थिति क्या है, सीमा ने कई बार आप लोगों के न्यूज चैनल पे बताया, पावदान जैसी स्थिति है। कभी वहां महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के आदर की बात होती है, जो सीमा हैदर के पूर्व पति थे, 3-3 शादियां कर ली, इसको छोड़ उसको छोड़ उसको छोड़। तो इस्लाम धर्म का भी ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, इस्लाम धर्म का भी मिसयूज करते हैं कि 4 बीबियां करो, ये करो, वो करो, इस तरह छोड़ो, उस तरह छोड़ो, वो पूरी तरह से गलत है। और भारत
ने सीमा सचिन मीना को स्वीकार किया, आपने देखा, अगर उसने मुझे राखी बांधी भैया द्वेष किया तो देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने को उसका भाई माना, अगर उसने रघुपुरा के लोगों को भाभी बनी तो लाखों करोड़ों लोगों की भाभी बनी, अगर रघुपुरा के लोगों की बेटी बनी, ससुर बने, सास बनी वहां, तो लाखों करोड़ों लोगों ने उसे अपना सम्मान दिया, आदर दिया और भाव दिया। पाकिस्तान तो कुछ भी तब भी खबर चला रहता है सीमा के लिए, कभी मर गई, कभी गोली मार दी सचिन को, कभी किस तरह की, कभी सीमा बीड़ी पी रही समी बाघा बॉर्डर पर, इस तरह से गलत गलत खबर चला के कंटेंट। उनके अपने खाने पीने को तो कुछ है नहीं, लेकिन सीमा सचिन मीना डॉक्टर एपी सिंह के नाम से खबरें चला के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो इस तरह से किसी को अपमानित करना, अनादृत करना, ये भी पूरी तरह से गलत है। इस बारे में तो वो कुछ ज्यादा क्या कह सकती है, लेकिन अब तो क्या हुआ, इतने दिन क्या हुआ, अब सीमा को तो खुली किताब है, सीमा खुली किताब है, हर पन्ना पन्ना उसका देख लो, हर दिन का पढ़ लो, हर दिन का पता कर लो, पुलिस वहां लगी हुई है। वो तो पुलिस कस्टडी में नहीं थी, ये हमारी तो एटीएस की पुलिस है, उसकी निगरानी में है, जांच चल रही है, सब कुछ फोन ओन सब कुछ उनके सर्विलांस पर रहते हैं, कोई कहीं गई नहीं, वो घर से कहीं नहीं गई, कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के बाद से वहीं है। अब ये कहां गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे मिली, क्यों गई, फिर आई तो घोषित करके क्यों नहीं आई, चुपके चुपके क्यों आई, आपने देखा तो ड्रम बजा के आना चाहिए, ढोल बजा के आना चाहिए था इनको, तो वहां पे बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को विदाई करनी चाहिए थी, आने की तारीख बतानी चाहिए थी, इस तरह से होना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या प्लान है, क्या नहीं, क्या कह सकते हैं। नहीं, अंजू झूठ बोल के गई, चुपके गई, बता के गई जयपुर जा रही हूँ, वहां कह के गई, ना माता को पिता, ना पिता को पता, ना सास को पता, ना ससुर को पता, ना पति को पता, ना दोनों बच्चों को पता, ना जिस फैक्ट्री में काम कर रही थी उसके पता, ना ऑफिस को पता, ना कुलीग को पता, ना पड़ोसियों को पता, ना क्लास, किसी को कुछ नहीं पता। वो चुपके से गई, एक प्लान के तहत गई, लेकिन सीमा आई तो अपने बच्चों को भी ले आई, पहले आई नेपाल, आई नेपाल में रही और अपने पति के साथ रही और शादी वादी की, और उसके बाद फिर वापस गई और बच्चों को लेके आई। तो भारत देश है जो बच्चों को भी संरक्षण देता है, बचपन बचाओ आंदोलन का हमें दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों मिला, हम बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं, हम अगर सीमा की तीन बेटियां हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आंदोलन में लिखा नहीं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ, पेट में बेटी बचाई, फिर बेटियों को पढ़ाया और बेटियों को पढ़वा के नौकरी दिलाई, आज आकाश की सर्विस, धरती पाताल आकाश तीनों लोकों में जो भी नौकरियां हैं, काम है, सेवाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एयर सर्विस, मेडिकल सर्विस, राजनीति, अभिनेता, शिक्षा के क्षेत्र, वकालत के क्षेत्र, विधि के क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र, सेना के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में आज बेटियां आगे हैं। 33% आरक्षण देने का काम किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, भारत सरकार ने किया, और कहा कि हम बेटियों को पेट में बचाते हैं तो उन्हें संसद भवन तक भी पहुंचाने का और विधानसभा पहुंचाने का जज्बा रखते हैं, और वो बोलेंगी माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, खड़े होकर बोलेंगी, और वो बोलने वाली केवल एक परिवार की नहीं होंगी, किसी एक जाति धर्म की नहीं होंगी, वो पूरे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की महिलाएं, वो कस्टडी का केस डालेंगी, केस डाल सकती हैं, डिसाइड करेगी कोर्ट, पति अपना पक्ष रखेंगे, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चों की भावनाएं, बच्चों का हित, गार्जियनशिप की जो फैमिली कोर्ट होती है वो सबसे ज्यादा निहित होता है बच्चों का हित और बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण, बच्चों का भविष्य, बच्चों की चिंता करने का काम फैमिली कोर्ट करती है, और इसीलिए फैमिली कोर्ट में गार्जियनशिप का केस सदैव वहीं पड़ता है जहां बच्चे रह रहे होते हैं, जहां बच्चों का जुरिडिक्शन होता है, इसीलिए केस वहां पड़ता है, इसीलिए नहीं। अंजू भारत तो लौट आई है, लेकिन उसे भारत में अब कई तरह की कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस केस में अब पूरी निगाह अंजू के परिवार पर टिकी हुई है कि आखिर वो इस केस में आगे क्या करते हैं। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।